बचा लो। अफू, अफू, अफू। कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अफू को कुछ नहीं होगा। टुकड़े को बचा। वो देखो, बख्तावर मामा आ गए। बाबा, 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 सब खत्म हो गया बाबा। कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ आपका ही सहारा है। बाबा बचा लीजिए मेरा अफू को बाबा। बाबा, आप इंसान नहीं, फरिश्ता है। बख्तावर बाबा जिंदाबाद, बख्तावर बाबा जिंदाबाद, बख्तावर बाबा जिंदाबाद। इस दुनिया में 11 जादूगर, सब अलग अलग जादुई ताकतों के मालिक, लेकिन आज तक ये अपनी जादुई ताकतें जाया करते रहे इंसानियत की भलाई के लिए। कमबख्त, यही तो हमारी जिंदगी का मकसद है। हाँ, ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद था, अब तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी सारी जादुई ताकतें मुझे देना। सुरेबो, तुम? हाँ, मैं। मेरे अलमास के गोले, खींच ले इसकी सारी जादुई ताकतें। की ताकतें मिलाकर मैं बनूंगा इस दुनिया का अजीम शान, सबसे ताकतवर जादूगर। जिंदगी नहीं, मौत, मौत का फरिश्ता, जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे शर्माओ मत, ये कोई असली जंग नहीं है, जोर आजमाइश है। उठो,
दुश्मन हो तो पूरी जान लगाओ, समझे? दरअसल मुझे भी कोई कारनामा किए बहुत दिन हो गए, तो दिल ही नहीं लग रहा। अब तुम लोग तो जानते हो बिना कारनामों के मुझे चैन नहीं मिलता। अरे तुम लोग खड़े होकर कहानी क्या सुन रहे हो? थोड़ी मेहनत करो, वजन कम होगा। पकड़ो। एक आखिरी मौका और दे रहा हूं, पूरी जान लगा लो। आओ। आवाज है बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। शर्जील बाबा, आप खुशामदीद बाबा, सब खैरियत है ना? नहीं हातिम, कुछ वक्त से दुनिया के अच्छे जादूगरों, फकीरों, दरवेशों को कोई अपना शिकार बना रहा है। कोई अनजानी ताकत इन्हें अगवा कर रही है और उनकी सारी ताकतें छीन रही है। मानो जैसे किसी ने उनकी जिस्म और रूह से ताकत का एक एक कतरा निचोड़ लिया हो। मसला संगीन है हातिम, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फौरन आकर मुझसे मिलो। जो हुकुम बाबा। बाबा आपने मेरे सबसे मुश्किल वक्त में मुझे रास्ता दिखाया है, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। रुमाल हो गया। अम्मा हमारी बात तो सुनो, आज जो ही हमें देख के पहली बार मुस्कुराई, कसम से कह रहे हैं उसके मोती जैसे दांत थे, गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ थे और गालों पे खाई जैसे गहरे गड्ढे थे। कासिम, गलत फहमी से बाहर आओ, वो तुम्हें नहीं तुम्हारी इन आमों को देखकर मुस्कुराई होगी। तुम भी ना। अम्मा क्यों रंग में भंग डाल रहे हो? ये आम तो हम अभी लाए हैं उसके घर के लिए। कासिम, पहले काम बाद में आम। काम? अब कौन सा काम आ गया? बाबा शर्जील का पैगाम आया, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। शर्जील बाबा खुद इतने ताकतवर हैं, हर मसले का हल खुद निकाल सकते हैं, उन्हें हमारी क्या जरूरत है? बाबा शर्जील हमारे गुरु जैसे, और गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, उनकी मदद करना हमारा पहला फर्ज है। इन सब की मदद करना, बस अपने दोस्त की मत करना। पानी कुछ सुनाई दिया तुम्हें? पानी हाँ, आवाज तो आ रही है, इस तरफ से आ रही है। पानी
महसूस हो रहा? बेहतर महसूस हो रहा है। कौन है आप पापा? बंदे को अल्ताफ कहते हैं। मैं पूरब का सबसे बड़ा जादूगर था। था? क्या हुआ आपको? वही जो आजकल सभी आला जादूगरों के साथ हो रहा है बेटा। रास्ते से गुजर रहा था तब आटा खाप पहने खाले कपड़े ओढ़े अनजान ताकत ने मुझ पर हमला किया। मुझे आईने में कैद कर लिया। मेरी सारी ताकतें छीन ली। उस दिन से मेरे दिलो दिमाग मेरे जिस्म में कोई ताकत नहीं बची। अनजान ताकत कहां से आई? आपको कहां ले गई? जरा तफसील से बताएंगे? सब धुंधला नजर आ रहा है। कुछ याद नहीं। कोई बात नहीं बाबा, हम आपकी मदद करेंगे। नहीं बेटा, इस वक्त एक ही शख्स मेरी मदद कर सकता है और वह बाबा शर्जील। शर्जील बाबा? हाँ बेटा, सिर्फ वो ही मेरी मदद कर सकते हैं। बाबा फिक्र मत कीजिए, हमारी मंजिल एक है, हम आपको ले चलेंगे शर्जील पापा के पास। सच? उठिए। बाबा शहजादे हातिम आए हैं। हातिम, तुम्हें देखने को आंखें तरस रही थी। खुशनसीबी हमारी है बाबा, लेकिन सास सवालों के लंबे सफर के बाद इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। सोचा तो हमने भी नहीं था बाबा, बस आपका पैगाम आया और चले आए। पैगाम? कैसा पैगाम? कुछ वक्त से दुनिया के अच्छे जादूगरों फकीरों दरवेशों को कोई अपना शिकार बना रहा है। कोई अनजानी ताकत इन्हें अगवा कर रही है और उनकी सारी ताकतें छीन रही है। हाँ, लेकिन जिन जादूगरों दरवेशों की ताकतें छीनने की तुमने बात कही है बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने तुम्हें कोई पैगाम नहीं भेजा। पर बाबा, अगर सब जादूगरों पे हमला हो रहा है तो आपकी जान को भी तो खतरा हो सकता है। हाँ, खतरा तो है, लेकिन ये लाल लकीर देख रहे हो, इसे पार करके कोई काली ताकत नहीं आ सकती। चलिए, ये जानकर खुशी हुई कि आप महफूज हैं। रास्ते में हमें एक जादूगर मिला, उस बेचारे की सारी ताकतें छिन चुकी, अब आप ही हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। कीजिए बाबा। जरूर करूंगा। उठो।
सुरेबो? हाँ, सुरेबो। शेजिरी बाबा। तू सोच रहा होगा शर्जील कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा। तेरा प्यारा हातिम मुझे यहां तक ले आया, मुझे यकीन था कि तेरी एक आवाज पर ये दौड़ा चला आएगा, इसलिए वो पैगाम भी मैंने ही भिजवाया था। हमारी दरिया दिली को हमारी कमजोरी मत समझना सुरेबो। मैंने इस दुनिया की सभी जादूगरों की ताकत पहले ही हासिल कर ली है, बस एक शर्जील बाकी था। एक बार इसकी जादुई ताकत छीन लूं, उसके बाद मैं बन जाऊंगा इस दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे ताकतवर जादूगर सुरेबो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बाबा शिवजी, सुरेबो के बारे में कुछ जानते हो? उस तक पहुंचने का कोई रास्ता? उस काले जादूगर सुरेबो का बस नाम ही सुना है और कुछ नहीं जानता। चलो कस, हमें खुद ही उसे ढूंढना होगा। पर हातिम, आगे इतनी बड़ी फरियाद नदी है और पीछे आसमान से ऊंचे पहाड़ है, हम उसे ढूंढेंगे कहां? याद आया, यहां से थोड़ी दूर पश्चिम दिशा में एक सतरंगी पहाड़ी है, वहां एक अजब गजब जादूगर रहता है, वो भी सुरेबू के हमले का शिकार हुआ था, उसे कुछ पता हो। शुक्रिया। दुनिया के 11 जादूगरों में सबसे ताकतवर जादूगर शर्जील, सुरेबो के इस गरीब खाने में तुम्हारा इस्तकबाल है। अब अपनी सारी जादुई ताकतें मुझे देने के लिए तैयार हो जा। तू लाख कोशिशें कर ले सुरेबो, लेकिन अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा। नापाक नहीं, नेक। नेक इरादे बुजुर्ग जादूगर, आज दुनिया को तुम जैसे फकीरों की जरूरत नहीं है, आज इस दुनिया को जरूरत है सबसे महान जादूगर बादशाह सुरेबो। अब भी वक्त है, संभल जा, जिद छोड़ दे, नहीं तो बहुत जल्द हातिम तुझे ढूंढ निकालेगा और खत्म कर देगा। कितना बेवकूफ है तू शर्जील, ना तो मुझे ढूंढ पाएगा ना वो यहां तक पहुंच पाएगा। हातिम, आज तक हमने सतरंगी इंद्रधनुष तो देखा था, पर सतरंगी पहाड़ी, वल्ला ये तो कुदरत का करिश्मा है। नजारे बाद में देखता कासिम, फिलहाल हमें फटाफट उस जादूगर को ढूंढना है। कोई है? सुनो, कोई है? हद है कासिम, मैं यहां इतनी जरूरी बात कर रहा हूं और तुम आम खाने में लगे हो। तो तुम ठहरे शहजादे, हम आम आदमी हैं
और आम आदमी को भूख वक्त और मौका देख के थोड़ी लगती है। कासिम तुम भी ना। ये क्या, हमारा आम कौन खींच रहा है? रुको कासिम, जाने दो, चलो। ये सब आपके लिए। बाबा कौन है आप? अजब गजब, अजब गजब। यानी आप ही सतरंगी पहाड़ी के अजब गजब बाबा है? अजब गजब, गजब अजब था। जब तक शोरे बोले मेरी सारी ताकत नहीं छीनी थी। यहाँ तो नहीं आएगा ना? नहीं चचा, अभी हमें सूर्योबो के पास जाना होगा। हमारे प्यारे बुजुर्ग, हमें रास्ता बता दो। सूर्योबो। बाबा, अगर आपको हम या हमारे आम पसंद आए हों, तो हमें सूर्योबो तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं? आसमान में चमका तारा, छोटा छोटा, प्यारा प्यारा, दिन में रात, रात में जहाँ दिन हो, चप्पे चप्पे पर जहाँ भरे वो, वही सोरे 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 वो। बेवकूफ बना गया हमें और हमें रास्ता भी नहीं बताया। नहीं कासिम, उसने जो कहा वो एक पहेली थी, एक अजब गजब पहेली। दिन में रात, रात में दिन, सूर्य ग्रहण। आसमान में चमका तारा, छोटा छोटा, प्यारा प्यारा, जुगनू, मतलब जुगनू, जुगनू, दिन में रात जहां हो, यानी ये जुगनू किसी ऐसी जगह जाता है जहां दिन में भी रात यानी अंधेरा होता है। ऐसी तो सिर्फ एक ही जगह हो सकती है, कोई गुफा। रात में दिन जहां हो और उस अंधेरे में इन जुगनुओं के चमकने से रोशनी हो जाती होगी। चलो कासिम, रास्ता मिल गया, हम इस जुगनू का पीछा करना है। चलो वल्ला, क्या मंजर है। काश जूही और हम यहाँ सैर करने आते, क्या बात होती, क्या मुलाकात होती।
जागो कासिम प्यारे, फिलहाल तो यहाँ सुरेबो से ही मुलाकात हो सकती है। तैयार रहो, चलो अब। हाँ। हातिम, हम सही जगह आए हैं ना? क्या यही सुरेबो का ठिकाना है? शर्जील की आवाज है। सुरेबो, छोड़ दो शर्जील बाबा को। वाकई बहुत बड़े बेवकूफ हातिम, तो खुद अपनी मौत को गले लगाने यहां चले आए। बहुत लगाव है तुमसे तुम्हारे बाबा शर्जील को, तेरी काबिलियत पर बहुत गर्व है उन्हें। आज उन्हें भी दिखा देते हैं कि तेरी औकात क्या है। औकात तो तेरी सामने आ गई सुरेबो, धोखा देकर किसी पर जोर आजमाना देरी नहीं, बुजदिली है। आखिरी बार कहता हूं, छोड़ दे शर्जील बाबा को, वरना मार दे मुझे और ले जा अपने शर्जील बाबा को। लो कर लो बात, आसमान से गिरे और खजूर मटके, अब ये कौन सी नई दुनिया में आ गए हम? कासिम, तुम इधर देखो, मैं इधर देखता हूं, यहां से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। सुरेबो ने तो पूरी आइलों की दुनिया बसा रखी है। पता नहीं उस मनोज गंजे ने हमें कहां फंसा दिया। सुरेबो का अक्स है। यही नहीं, हर आईने में इसका अक्स है। इसका मतलब कहीं असली सुरेबो भी तो यही नहीं।
तो सांसें चल रही। शुक्रिया दोस्त, मुझे रिहा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कौन हो तू? मैं बोरेबो। बोरेबो? सोरेबो का जुड़वा भाई। शर्माती मुझे ये बात कहते हुए, लेकिन दोनों एक जादूगर इस्माइल के बेटे, बचपन से ही जादू में मैं उससे बेहतर था। मैं जादू की ताकत लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। सोरेबो को इससे जलन होती थी। फिर एक दिन उसने धोखा देकर मेरे अलमास के गोले की ताकत से मेरी सारी ताकतें छीन ली और मुझे यहां बंदी बना दी। और उसने मुझे कैद कर लिया। और इस मुहिम में अब उसने आखिरी सबसे ताकतवर और नेक दिल शिरजील बाबा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इससे पहले कि वो इस मकसद में कामयाब हो, हमें उसे रोकना होगा। नहीं आदिल, नहीं, अब ये नामुमकिन। नामुमकिन को मुमकिन बनाना आदिल का काम है। आप बताइए, जोर दीजिए दिमाग पे, कोई रास्ता तो होगा उसे खत्म करने का। शर्जील, अपने हातिम की याद आ रही है? अरे वो बेचारा तो मेरी तिलस्मी दुनिया में भटक भटक कर पागल हो गया होगा। वो तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। ए मेरे अलमास के गोले, खींच ले इसकी सारी जादुई ताकतें। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेरा अलमास का गोला। जिस तरह से बुरेबो का अलमास गोला एक जादूगरी की ताकत खींच सकता है, उसी तरह मेरे अलमास का गोला सोरेबो की ताकत खींचने की ताकत रखता है। हाँ, कहाँ है ये अलमास का गोला? आप मुझे बताइए, मैं ढूंढ के लाऊंगा वो अलमास का गोला। हाँ, मेरे साथ। यही वो शीशा है, तुम्हें इसके अंदर जाना होगा, यही तुम्हें मिलेगा वो अलमास का गोला। तो ये है बोरेबो का अलमास का गोला। ये तो बहुत आसानी से मिल गया। ये कैसी आवाज है?
बेटा हातिम, यहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। यही अलमास के गोले का पहरेदार है, इसे चका के ये गोला हाथ लगेगा। शेरमिया, देखते हैं किसमें कितना दम है। बाहर जाने का तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, अब ये गोला ही शायद कुछ कर सकता है। अलमास के गोले, कोई करिश्मा दिखा। इतनी भी जल्दी क्या है सोरेबो? हातिम, जहां तक मेरी तालीम है, कोई धोखेबाज कभी अजीमोशान नहीं हो सकता, और खास तौर पे वो जिसने गैरों को ही नहीं अपनों को भी धोखा दिया हो। बोरे बोरे, नाम तो याद है ना? अच्छा, तो लगता है उसके अक्स से मुलाकात हो गई तुम्हारी। उसके अक्स से ही नहीं, तुम्हारी असलियत से भी। तुम्हारी किस्मत फिर यहां पे तुम्हें खींच लाई हातिम। अफसोस, तेरी मौत और भी बदतर होगी। मौत किसकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। क्या हुआ सोरेबो? बस इतना ही दम था? ये वही रूहानी पत्थर है जो तुम्हारी सारी ताकतें छीन सकता है। नहीं, हातिम नहीं, हातिम,
बुरेबो, ये आपकी अमानत। उन्हें मेरी जिंदगी भर की मेहनत तबाह कर दी, अब तो तुझे कोई फरिश्ता भी नहीं बचा पाएगा। तेरा खेल खत्म हो चुका है सुरेबो, तू सिर्फ एक मामूली इंसान है। शुक्रिया आदम, आज तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, इस दुनिया के सभी नेक जादूगरों को बचाया, शैतान को मार दी। आज तुम नहीं होते ना, सच में कयामत आ जाती। मैं तो बस उस ऊपर वाले का एक जरिया बना। सुरेबो को तो उसके कर्मों की सजा मिली, उसने जिंदगी भर सबका बुरा चाहा और आखिरकार उसी के साथ सबसे बुरा हुआ। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। वाह, क्या बात है।